अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। तो ये मैंने सेलिब्रेशन की थी मेरे भतीजे की, माशाल्लाह फ़र्स्ट सेलिब्रेशन हुई थी ये। मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ये देखें इस तरह से ये मैंने सब कुछ ये बाय किया था। थीम हमारी स्काई ब्लू, ब्लू एंड वाइट थी। ब्लू मैंने बहुत कम ऐड किया था। ये देखें फर्स्ट टूथ केक टॉपर है, फिर ये क्रेप पेपर है, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी। तो इस तरह से मैंने रूम डेकोर किया। सबसे पहले ये मैंने खिड़की के ऊपर, विंडो के ऊपर ये मैंने ये लगा दिया क्रेप पेपर। इसकी जो चौड़ाई थी वो थोड़ी थी, इसलिए मैंने इसे दो लेके हाफ से ये जोड़ दिया, टेप के साथ जोड़ दिया और नीचे भी टेप लगा दी थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने सारी विंडो जो है वो कवर कर दी थी। फिर इस तरह से ऊपर मैंने पाइप के ऊपर जो है वो वाइट नेट के कर्टन लगा दिए और दरमियान में ये रिबन मैंने बांध दिया इस तरह से, स्काई ब्लू रिबन लेके वो मैंने बांध दिया इस तरह से। ये देखें ये बैक पे था स्काई ब्लू और फ्रंट पे मैंने वाइट बांध दिया नेट के वो कर्टन जो होते हैं। तो ऊपर ये मैंने क्लाउड बनाया, ये वाइट बलून्स लेके उसका मैंने क्लाउड बनाया, वो मैंने इस पे दरमियान में जो है वो बांध दिया। वो क्लाउड मैं कैप्चर नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लाजमी करूँगी। तो ये देखें साइड पे मैंने स्काई ब्लू लेके दरमियान में वाइट लेके क्लाउड्स बना दिए इनके छोटे छोटे, और वो मैंने पाइप के साथ मैंने बांध दिए। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छी ये लग रही थी, सबको बहुत पसंद आई। भतीजा भी माशाल्लाह बहुत खुश हुआ ये सब देखे है। छोटा सा है हालांकि, लेकिन फिर भी जो है उसे खुशी हुई और उसके पेरेंट्स को भी, हम सब को देख के बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने जो है ये दांत मैंने मंगवाया था फॉइल्स बलून में, ये मैंने लगा दिया दरमियान में और टेप के साथ पीछे उसके जोड़ दिया, क्रेप पेपर के साथ मैंने जोड़ दिया इसे इस तरह से। और नीचे मैंने बैनर लगा दिया आई गॉट माई फर्स्ट टूथ का, ये देखें इस तरह से। और हमारी जो डेकोरेशन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर मैंने वो थैंक यू के टैग्स लगा दिए हैं कर्टन्स पे, ताकि वो जो रिबन की नोट है वो हमें नज़र ना आए या किसी को नज़र ना आए इस तरह से। ये देखें जी ये टेबल है, वो माय फर्स्ट टूथ का रोमपर मंगवाया था मैंने उसके लिए ड्रेस पहनने के लिए, और वो केक की जगह मैंने बनाई, केक वहाँ रख के काटना था। और बैक पे ये देखें जी हमारी ये सारी डेकोरेशन है, ये मैंने सारी खिड़की पे की थी। ये देखें जी कितनी मज़े की लग रही है। आप भी ज़रूर बताइएगा देख के आपको कैसी लगी, और आप भी लाजमी ट्राई किया करें। छोटी छोटी खुशियाँ दूसरों के साथ ज़रूर बांटा करें, खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। ये देखें जी हमारा रूम जो है वो तैयार हो चुका है, अब हम केक की तरफ चलते हैं। ये है जी केक, केक भी मैंने स्काई ब्लू में लिया था, स्काई ब्लू एंड वाइट में लिया था। केक की मैं प्रॉपर लुक आपको दिखाती हूँ, ये केक की तरफ चलते हैं। ये देखें जी केक के पास थोड़े आंसू निकल आए हैं गर्मी की वजह से, वो घबराना नहीं है आपने। अब हम एंट्री की तरफ चलते हैं। ये देखें जी फिर मैंने ये कैंडल ली थी, पर इसका कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। कैमरा अभी मैंने चलाया नहीं था कि ये पहले ही खुल गई है सारी, और ये चली भी नहीं थी ठीक तरह से, इसका कोई ख़ास इतना मज़ा नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।